खाने में बहुत ही टेस्टी है, दानेदार है, बहुत ही कम घी के साथ। जल्दी से आप इस तरीके से गेहूं के आटे से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं और बनाकर आप इसे महीना दो महीना रख सकते हैं। और बनाना भी एकदम सिंपल है, इजी है। हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता किचन में, कहो कैसे हो आप। तो चलिए गेहूं के आटे से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई लेनी है। अब हर सब कोशिश करिए जो आप कढ़ाई ले रहे हैं, कढ़ाई भारी तली की हो, थोड़ी मोटी कढ़ाई हो। अगर आप मोटी तली कढ़ाई में आटा भून कर लड्डू बनाएंगे ना, लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे हीट करना है, गर्म करना है। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, गैस को धीमा रखते हैं। फिर इसके बाद कढ़ाई में डाल देंगे बड़े कप से 2 कप भर के गेहूं का आटा। तो जो गेहूं का आटा है ना, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। घी नहीं डालना है, बिना घी डाले कुछ देर के लिए यानी धीमे आंच पे 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए आटा को भून लेना है, हल्का सा भूनना है। आप देख सकते हैं आटा को हमने हल्का सा भून लिया, कलर चेंज हो गई है। जब इस तरीके से हल्का सा आटा भून जाए ना, तो बड़े चम्मच से 1 चम्मच भर के सूजी यानी रवा डाल देना है। और छोटे चम्मच से ले रहे हैं, जो आपको चम्मच दिखा रहे हैं, अगर इस तरीके से आप चम्मच ले रहे हैं ना, इस चम्मच से 2 चम्मच और बड़े चम्मच से 1 चम्मच भर के सूजी आटा में डाल देना है। तो सूजी आटा को मिला देते हैं। सूजी डालकर आप आटा का लड्डू बनाएंगे। लड्डू जो है दानेदार बनकर तैयार होगी। अब टेस्ट देने के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे बड़े चम्मच से 2 चम्मच भर के बेसन और छोटे चम्मच से 5 से 6 चम्मच बेसन डाल देना है। बेसन और आटा को मिला देते हैं। गैस को धीमा ही रखना है। इस तरीके से आटा भूनने में ना कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है। जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है, गैस को तेज नहीं रखना है, गैस को धीमा रखना है और लगातार चलाते रहना है। जितना बढ़िया आप आटा को भूनेंगे, उतनी ही टेस्टी, उतनी ही लाजवाब यहाँ पर आटा का लड्डू बनकर तैयार होगा। बेसन का लड्डू बनाकर खाते हैं, सूजी का लड्डू खाते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से, मेरे तरीके से आप आटा का लड्डू बनाइए, सच में करें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, धीमी आंच पे गेहूं के आटे को हमने 15 मिनट के लिए खुशबू आने तक भून लिया है। इसके बाद हमने लिया है 1 कप देसी घी। इसी कप से नाप के हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया था, इसी कप से नाप की 1 कप हमने देसी घी लिया। तो दोस्तों, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। जब हमने घी, देसी घी आटा में डाला ना, आपको नहीं दिखा पाए, आधा देसी घी हमने आटा में डालकर मिला दिया। फिर मुझे पता चला कि मैंने कैमरा को बंद कर रखा है। आप आधा घी आटा में डालकर मिला लीजिए, यानी थोड़ा थोड़ा करके हमें देसी घी आटा में डालते जाना है और मिलाते जाना है। गैस को धीमा रखना है। या फिर हमने दोबारा थोड़ा सा घी डाल दिया, आटा के साथ मिला दिया। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो बचे हुए घी को आटा में डाल देना है। इस तरीके से कुल मिलाकर 1 कप देसी घी आटा में डाल देना है। अगर आप देसी घी डालकर आटा का लड्डू बनाएंगे ना, लड्डू खाने में भी टेस्टी लगेगी और बहुत ही बढ़िया हेल्दी बनकर तैयार होगी। तो धीमी आंच पे आटा को भून लेते हैं। जब आटा अच्छे से भून जाए, लाल हो जाए ना, तो गैस को बंद कर देना है। लगातार चलाते रहना है और कुल मिलाकर जितना आटा ले रहे हैं उसके आधा देसी घी लेना है। लगातार चलाते हुए हमने यहाँ पे आटा को भून लिया है। गैस को बंद कर देते हैं, कढ़ाई गर्म है। तो जल्दी से भुने हुए आटे को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर आटा भून कर कढ़ाई में छोड़ देंगे, आटा नीचे से जल जाएगी। आटा को इस तरीके से फैला देते हैं, पंखा के नीचे नहीं रखना है, इसे ऐसे खुला छोड़ दीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब तक आटा ठंडी हो रही है, हम चीनी लेते हैं। तो मिक्सर जार में 1 कप हमने चीनी लिया है। 2 कप आटा था उस हिसाब से 1 कप चीनी लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू न ज़्यादा मीठा बने, न ज़्यादा फीका बने, तो जितना आप आटा ले रहे हैं ना, उसके आधा आपको चीनी लेनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं ना, तो चीनी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब चीनी में डाल देंगे 4 हरी इलायची। इलायची का छिलका नहीं निकालना है, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बादाम डाल देंगे। बादाम डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बादाम की जगह काजू भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम सूजी की तरह दरदरा पीस लेंगे। एकदम बारीक पाउडर चीनी का नहीं बनाना है, सूजी की तरह दरदरा रखना है। इस तरीके से चीनी को पीस कर उंगली को लेकर देख लेना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है। जब आप इसे हाथ से रगड़े ना, तो सूजी की तरह दानेदार चीनी पीस कर तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने चीनी का दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और आटा को चेक कर लेते हैं। आटा को जब हम चेक कर रहे हैं ना, आटा छूने लायक हो गई है। ज़्यादा गर्म आटा नहीं लेना, इतना आटा ठंडा होना चाहिए। जब आप इसे हाथ में लेना, आसानी से आटा को आप हाथ में ले सकें। अब यहाँ पे हम बादाम को यहाँ पे बारीक क्रश करके हमने कट करके डाल दिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, नारियल हो, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, मखाना डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
हम सिर्फ बादाम का यूज कर रहे हैं क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं ना। आप इसके जगह काजू डाल सकते हैं, नारियल कद्दूकस करके डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये फिर यहाँ पे हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। पहले थोड़ा सा चीनी डालकर आटा के साथ मिला देते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब आप चीनी डालकर आटा मिलाएं ना, आटा ठंडा होना चाहिए। गरम गरम आटा में आप चीनी डाल देंगे ना, जो चीनी है ना वो जम जाएगी, इसलिए आटा जब ठंडी हो जाए तब चीनी डाल दीजिए। बचे हुए चीनी को भी डाल देते हैं और इस तरीके से हाथ से मिलाते हुए चीनी और आटा को मिला लेंगे। तो चीनी आटा को हमने मिला लिया, फिर हमने यहाँ पे देसी घी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके फिर दोबारा देसी घी डाल देंगे। जब हमने चीनी पीस कर आटा में मिलाया ना, तो घी कम लग रही थी, इसलिए हमने दोबारा फिर देसी घी डाल दिया है। यानी कुल मिलाकर देखेंगे ना तो पूरा 1 कप भर के हमने देसी घी डाल दिया है। यानी 1 कप लगभग हमने पहले ही घी डाल दिया था, थोड़ा सा घी हमने अब डाला है। तो बचे हुए घी को डाल देंगे क्योंकि हमने घी कम लग रही थी। इतना घी डालिए जब आप लड्डू बनाएं आसानी से लड्डू बन जाए। जब हम ज़्यादा घी डालकर लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू तो बना लेते हैं, जब लड्डू बनाकर प्लेट या थाली में रखते हैं ना, तो ज़्यादा घी की वजह से लड्डू फैल जाती है, पेड़ा की तरह बनकर तैयार होती है। तो घी डालने के बाद आटा को इस तरीके से मुट्ठी में लेकर देख रहे हैं, दबा रहे हैं, तो आसानी से मुट्ठी बन जा रही है। यानी घी की मात्रा एकदम परफेक्ट है, न ज़्यादा है न कम है। अब यहाँ पे मीडियम साइज की लड्डू बना लेते हैं। इस तरीके से दबाते हुए हम लड्डू का शेप देंगे, लड्डू की साइज देंगे। फिर दूसरे हाथ पर लेकर एकदम हल्के हाथ से रगड़ते हुए लड्डू को हम चिकना करेंगे, एकदम मार्केट की तरह बीकानेर वाली। या फिर हम आटा के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो लड्डू की शेप आ गई है। अब एकदम हल्के हाथ से, इस तरीके से एकदम हल्के हाथ से करना है, क्योंकि लड्डू जो है ना सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा कस के रगड़ेंगे तो लड्डू टूट जाएगी, और लड्डू को चिकना करना है। एक आटा का लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिया, सेम इसी तरीके से हम दूसरा भी आटा का लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बस याद रखिए, जब आप चीनी डालें, आटा को ठंडा करके डालें और घी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना, ज़्यादा घी डालेंगे तो लड्डू की शेप पेड़ा जैसी बनकर तैयार होगी। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ऐसे अगर आपने लड्डू बनाया ना, तो लड्डू आपके एकदम परफेक्ट बनेगी, लड्डू की तरह बनकर तैयार होगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। एक लड्डू हमने और बना लिया, हल्के हाथ से इस तरीके से उंगलियों पे एकदम हल्के हाथ से घुमाएंगे, दूसरे लड्डू को भी यहाँ पर चिकना कर लेंगे। एक एक करके हम सारे लड्डू बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने आटा के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितनी टेस्टी, लाजवाब लग रही है। आटा के लड्डू अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, जल्दी से कम घी में बन जाएगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। एकदम बीकानेर वाली लड्डू बनकर, आटा लड्डू बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर लड्डू को हम कट करके दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए कितना बढ़िया, कितना दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुई है। जब भी आप आटा के लड्डू बनाइए, बेसन के लड्डू बनाइए, उसमें आप थोड़ा सा सूजी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि जो आटा होते हैं ना वो बारीक होता है, बेसन भी एकदम बारीक पीसी होती है। तो थोड़ा सा सूजी डालकर आप लड्डू बनाएंगे ना, लड्डू खाने में दानेदार लगते हैं और बहुत ही टेस्ट आता है। तो हमने आटा में थोड़ा सा बेसन डाल दिया, उससे और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप इस तरीके से झटपट से घर पर एकदम बीकानेर वाली आटा के लड्डू, गेहूं के आटे के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर ट्राई करना और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना कि आपको ये लड्डू कैसे। अगर आपको यह तरीका आटा के लड्डू बनाने का, ये रेसिपी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।